सिटी को थोड़ी देर छोड़ देता हूं तो कितनी अमाउंट होगी और किस वेलोसिटी से वो माइग्रेट करेंगे, माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अब समझते हैं वेलोसिटी ऑफ आयंस से पहले अमाउंट को समझो, इलेक्ट्रोड्स। ओके अच्छा ध्यान रहे कि कई बार हो सकता है किसी स्पेलिंग में इधर उधर कोई लेटर हो जाए तो थोड़ा स्पीड की वजह से हो सकता है। तो नाउ लेट अस सी, पहले समझते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ सबको पता है, मैं सेकेंड लॉ बता देता हूं, पता आपको सेकेंड लॉ भी है। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, सेकेंड लॉ के ये दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले ली जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के, इसमें अलग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। देखो बड़ा मुश्किल होता है कैमरे को पढ़ाना क्योंकि पता नहीं चलता है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश इसलिए कई बार रिपीट कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, और हर बार पीछे वाले को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ये मान लिया हमारे पास था कैथोड, ये था एनोड, ये है एनोड, ये है कैथोड। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ये था सिल्वर नाइट्रेट का, इलेक्ट्रोड्स आपने ले लिए हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो इस कैथोड को एनोड से जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, ये सीरीज में अटैचमेंट कर दी है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट जोड़ दिया। अब क्या कहता है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे एंड हैंस सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स is always equal to their equivalent weight, उनके equivalent weight के बराबर है। जैसे यहां पे same electricity pass की तो यहां पर कितना copper deposit होगा, weight of copper deposited by weight of, इधर क्या deposit होगा silver, सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू किसके बराबर कह रहा है, कितना कॉपर का वेट डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये कहता है फैराडे का सेकेंड लॉ कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो जो डिपॉजिट होंगे वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होंगे, समझ गए। तो अब देखो यहां से अमाउंट तो पता चल गई ना, अमाउंट लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, तो इसका मतलब क्या वेलोसिटी भी सेम होगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द आयंस आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो सेम वेलोसिटी से ही चलेंगे, समझ गए। अब वेलोसिटी अलग हो सकती है, जैसे कि वेट तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ गया जो डिपॉजिट है, पर वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि वो हर आयन की सेम आए। जैसे कि यहां पे था कॉपर
कितना डिपॉजिट होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के बराबर, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी दोनों आयंस की सेम हो ये कोई नेसेसरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट आयंस आर डिफरेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग आयंस की वेलोसिटी अलग अलग ही है, तो फिर क्या करें? अब इस वेलोसिटी को कंसंट्रेशन से रिलेट कर दिया किसने? हिटॉर्फ ने, ठीक है। तो मैंने बताया कि अमाउंट को तो एक्सप्लेन कर रहा था सेकंड लॉ, उसने तो बता दिया भाई जितना डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्या यही चीज हम लोग वेलोसिटी पे भी लगा सकते थे? तो नहीं, वेलोसिटी तो अलग अलग आ सकती है। तो अब वो वेलोसिटी कैसे कंसंट्रेशन से रिलेट करती है, तो वो मैं बताता हूं आपको। हिटॉर्फ प्रपोज्ड अ रूल बेस्ड ऑन सेवरल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम, ठीक है। हिटॉर्फ ने एक रूल दिया जो कि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बेस पे उसने एक रूल देखा। बहुत सिंपल रूल है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम लोग ना, मैं कैटायन है और इधर एनायन है, समझते हो? जैसे मैंने पूरी क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ए एक बी, ए तो कैटायंस है और बी एनायंस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कैटायंस किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ, मान लो वो है कैथोड, ये किधर है एनोड, ये एनोड है वो कैथोड है, समझ गए, उधर जाना है। अब यहां से वो भाग रहे हैं, समझो, मैंने 10:10 पे कहा कि बताओ कि वहां पे कितने आयंस पहुंचे 10:10 पे, तो तुम्हारा सीधा क्वेश्चन होगा सर वेलोसिटी बताओ कि इनकी वेलोसिटी ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा आयंस पहुंचेंगे, अगर कम है तो कम आयंस पहुंचेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर इनकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके ज्यादा पहुंचेंगे, तो यहां पर कंसंट्रेशन कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं तो यहां पर कंसंट्रेशन कम होगी। तो कंसंट्रेशन कम होना किससे रिलेट हो रहा है? इट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ आयन से। आयंस की जितनी ज्यादा मोबिलिटी है, ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, उतनी ही कंसंट्रेशन कम है यहां पे, किसके अराउंड? अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, सॉरी, जो अगर कैटायंस की बात करें तो वो तो कैथोड की तरफ जाएंगे, तो अराउंड एनोड, और एनायंस की बात करें तो कैटायंस कैथोड के पास नहीं रहेंगे, वो एनोड की तरफ भागेंगे। तो कैटायंस की बात करें तो वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन का फॉल कहां हो रहा है? अराउंड एनोड। और अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो वो किधर पहुंचेंगे? वो तो कैथोड की तरफ, तो एनायंस एनोड की तरफ हो गया। फिर से समझो, जो कैटायंस हैं वो तो कैथोड की तरफ भागेंगे, तो कंसंट्रेशन कहां कम हुई? कैथोड की तरफ तो बहुत सारी हो जाएगी और यहां पर कंसंट्रेशन कम होगी। पर ये बहुत सारी को भी समझो, मान लो एक मैं हूं और एक दूसरा बंदा है, उसकी स्पीड मेरे से ज्यादा है, एक मैं हूं एक वो है, दोनों की स्पीड ज्यादा, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो 50 आदमी थे, हम भी 50 थे, 10:10 पे किसकी कंसंट्रेशन एनोड के अराउंड कम होगी? तो आप लोग खुद बता दो कि उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, सर आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि आप तो ज्यादा स्पीड से भाग नहीं पाए। तो यही है। और अगर उधर एनायंस है ए और बी, तो कौन सा एनायंस यहां पे ज्यादा होगा? एनोड की तरफ, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वहां पे कमी किसकी होगी? कमी किसकी होगी? एनायंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, किसके अराउंड? कैथोड के अराउंड।
समझ गए, एनोड के अराउंड एनायंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी पर कैथोड के अराउंड घटेगी, यही टॉर्फ रूल था। उसने क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट आयनिक मोबिलिटी, या ऐसे लिखे मोबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन अराउंड फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ एनायन अराउंड कैथोड। समझ रहे हो, ये एनायंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं कि एनोड की तरफ, एनायंस हमेशा एनोड की तरफ जाएंगे, तो किधर कंसंट्रेशन कम होगी, कैथोड की तरफ कंसंट्रेशन कम होगी। तो फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ एनायन अराउंड कैथोड, और अगर मैं कहूं मोबिलिटी ऑफ कैटायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस अराउंड एनोड, ये एनोड के अराउंड हो क्योंकि ये कैथोड के अराउंड बढ़ेगी। समझ रहे हो, तो रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। तो मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी